हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फॉर्म वर्क या शटरिंग के रिमूविंग टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगा, जो कि 4-5-6-2000 के अकॉर्डिंग है। अगर कोई फॉर्म वर्क वर्टिकल फॉर्म वर्क है किसी कॉलम का, वाल का, बीम का, स्लेब का, तो उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो था 16 से 24 घंटे। अगर कोई बॉटम होता है किसी चीज़ का, जैसे बॉटम ऑफ स्लेब होता है, तो उसका जो टाइम पीरियड मिनिमम होता है वो होता है तीन दिन। और उसको रिमूव करने के बाद तुरंत प्रॉप यूजेक फिक्स कर दिए जाते हैं, जैसे ही फॉर्म वर्क को रिमूव किया जाता है। अगर किसी का बीम का बॉटम है, उसको रिमूव करने का टाइम पीरियड होता है वो होता है मिनिमम 7 डेज। जैसे ही बॉटम रिमूव किया जाता है बीम का, तो प्रॉप रिफिक्स इमीडिएटली कर दिए जाते हैं। अगर प्रॉप टू स्लेब अगर स्पानिंग 4.5 मीटर है, तो उसका रिमूव करने का मिनिमम टाइम 7 डेज होता है। अगर स्पानिंग 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको रिमूव करने का टाइम पीरियड 14 दिन मिनिमम होता है। अगर कोई बीम या आर्च की प्रॉप है जो कि शटरिंग को रिमूव करने के बाद लगा दिया जाता है, तो उसकी स्पानिंग अगर 6 मीटर है, तो उसका मिनिमम टाइम पीरियड 14 डेज होता है रिमूव करने का। अगर स्पानिंग 6 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको रिमूव करने का मिनिमम पीरियड 21 दिन होता है। तो जुड़े रहिए ऐसी जानकारियों के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।